हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं मोना और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आप लोग ने मेरा टॉपिक देख तो लिया ही होगा, विंटर स्किन केयर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सर्दियों में कैसे अपनी त्वचा अपने स्किन का ख्याल रखें। देखिए वैसे तो बहुत कुछ है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये वो बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में जिससे कि हम अपने स्किन को विंटर से बचाए रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कॉमन बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं और वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो जाती है, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो बस हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो चीज़ें वापस लानी है जो अक्सर हम भूल जाते हैं या हमारे दिमाग से निकल जाते हैं क्योंकि हम रेगुलर लाइफ में, ऑफिस लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो बस आज वही बेसिक पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाने के लिए आई हूँ। आइए तो शुरुआत करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है विंटर फूड। जी हाँ, विंटर फूड। खाना तो हम रोज ही खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन फूड वही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सर्दियों से, विंटर सीजन से बचा सकता है, हमें उससे लड़ने की शक्ति देता है। वो है विंटर के स्पेशल फूड्स जो विंटर सीजन में ही आते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, गाजर, गोभी, हर वो फल, हर वो फ्रूट, हर वो वेजिटेबल जो विंटर सीजन में आता है वो सब खाना बहुत जरूरी है। हर रीजन में एक अलग अलग तरह के फूल पत्ते सब कुछ उगते हैं। हमारी धरती इतनी उपजाऊ है कि वो इतने तरह के पालक और इतने तरह के साग उगाती है कि हम उनके नाम भी हमें याद नहीं होंगे। बस वही चीज़ हमें अपने रीजन की, अपने सराउंडिंग की जो स्पेशल वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, वो हमें खाने हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो शकरकंदी हो, जो भी आपके रेगुलर रीजन के मार्केट में अवेलेबल है वो सब वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, वो सब फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में इस सीजन में आपके पेरू आते हैं, कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल, ये सब विंटर फ्रूट्स जो है वो सब हमें खाने हैं। ऑरेंजेस आते हैं और हिमाचल में एप्पल्स आते हैं, जो जिस भी रीजन की जो फल और वेजिटेबल्स फेमस है विंटर सीजन में, हमें वो सब खाने हैं। क्यों खाने हैं? क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब होता है, हर चीज़ के पीछे एक साइंस होता है। वही वेजिटेबल्स, फ्रूट हमारे बॉडी को गर्मी देती है, हमें वार्म करती है और विंटर सीजन से लड़ने की हमें शक्ति देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने का ख्याल रखें, खाना सही खाएं, जो आपके सराउंडिंग में, जो आपके रीजन में इजीली अवेलेबल विंटर फूड्स है उसे ही खाएं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है घी और मक्खन। जी हाँ, मैं घी और मक्खन, लेकिन होममेड घी और मक्खन की बात कर रही हूँ। घी और मक्खन हमारे बॉडी को हर वो नरिशमेंट देता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी को मॉइस्चर देती है। तो बहुत ज़रूरी कि ठंड में घी और मक्खन, होममेड घी और मक्खन आप ज़रूर यूज़ करें। इतना कुछ बनता है, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो मूली के पराठे हो, चाहे वो गोभी के पराठे हो, आलू के पराठे हो, सब में इतना सा मक्खन तो बनता ही है। मक्खन और घी हमें नेचुरल ऑयल हमारे बॉडी में देती है और हर लड़ाई से, डाइजेशन से, विंटर सीजन में डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, घी हमें डाइजेशन में भी मदद करता है। तो मक्खन और घी खाइए और भरपूर विंटर का मजा लीजिए। पॉइंट 3 बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हम रोजमर्रा लाइफ में करते हैं, लेकिन शायद हम कभी उस चीज में इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो है नहाते टाइम हमारे पानी का टेम्परेचर। बहुत लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं जो कि सही नहीं है, उससे बॉडी में और ड्राइनेस होती है और ड्राइनेस से होती है इचिंग। तो इसीलिए जब आप नहा रहे हैं तो बहुत जरूरी है अपने बॉडी का जो पानी जो आप यूज कर रहे हैं नहाते वक्त, उसका टेम्परेचर चेक करना। वो बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इस चीज को पॉइंट नोट करके रखिए कि आप जब भी नहाएं तो अपने उसी टेम्परेचर में पानी हो जिस टेम्परेचर से बॉडी कंफर्टेबल हो। पॉइंट नंबर फोर है, हम जो रेगुलर डेली बेस में गर्मियों में सोप्स यूज करते हैं या शॉवर जेल यूज करते हैं, सर्दियों में हमारे बॉडी को इतनी शॉवर जेल और सोप्स की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए आप ऑल्टरनेटिव डे सोप लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन रहे, आपके स्किन में जो एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो मेंटेन रहे। सर्दियों में वैसे भी आपको रोज सोप यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि आप ऑल्टरनेटिव डे भी सोप का या शॉवर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर सीजन में आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो यूज करेंगे ही, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, बट मैं एक सजेशन आपको देती हूँ फुल बॉडी के लिए। अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम को लेके चूज करने में आप परेशान है, कंफ्यूज है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। जी हाँ,
कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं, हेड में लगा सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, आप फेस अवॉइड कर सकते हो, फेस के लिए आप कोई और मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कोई DIY जो आप घर में बनाते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। वो सिर्फ आपको मॉइस्चराइज ही नहीं करेगा, बहुत अच्छा, और बहुत ज्यादा स्टिकी भी नहीं लगता। बहुत ऐसे ऑयल होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं, कोकोनट ऑयल जैसे बिल्कुल ही परफेक्ट ऑयल है। उसमें स्टिकीनेस भी सही मात्रा में होती है और मॉइस्चराइज भी आपके पूरे बॉडी को करता है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई कोकोनट ऑयल। ट्रेडिशनल है, पुराना है, बट सबसे हेल्पफुल है। पॉइंट नंबर 6 है कि हम जितने भी गर्म कपड़े पहन लें, लेकिन हमारा कुछ बॉडी पार्ट्स है जो हमेशा एक्सपोज रहता ही है, चाहे वो हमारे फेस हो, चाहे वो हमारे लिप्स हो, हैंड्स हो, फीट हो, तो उनको हमेशा मॉइस्चराइज करे रखिए। और जब भी आप कहीं जाते हैं बाहर या किचन में काम कर रहे हैं, एक क्रीम या एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने साथ हैंडी रखिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने पर्स में, वॉलेट में डाल के रखिए। एक छोटा सा पैक आप किचन में रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं, ताकि आप जब भी हैंड वॉश करें तो हैंड को एक बार मॉइस्चराइज जरूर कर ले हैंड वॉश के बाद, या फीट को और अपने फेस को भी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा ठंड में एक्सपोज हो रही है आपके बॉडी पार्ट। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अपने पास, अपने आसपास हमेशा एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम हैंडी जरूर रखें। एक और चीज, लिप्स के लिए बहुत लिप गार्ड आते हैं मार्केट में। वैसे मेरा एक सजेशन ये भी है कि आपका घर का होममेड घी भी अगर आप लगा ले तो वो भी बहुत हेल्पफुल है, लगा के देखिएगा। होममेड घी होठों पे लगा लीजिए, किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जरूरत नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 7, वो है सनलाइट। जी हाँ, सूरज, सूरज की रोशनी हमारी बॉडी पे पड़ना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो हमें देती है विटामिन डी, हमारे बोन्स को करती है स्ट्रांग। तो सनलाइट की उतनी ही जरूरत है हमें जितनी किसी और चीज की। तो इसीलिए सर्दियों में इस चीज का मजा तो आप ले ही सकते हैं। धूप में बैठिए, मूंगफली खाइए, चाय पीजिए और सूरज की रोशनी का मजा लीजिए। अगर आपको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट सूट नहीं करता है या तकलीफ देता है या आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो आप सनलाइट में कम से कम 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं। आप डायरेक्ट फेस करके मत बैठिए, आप टुवर्ड्स अपना बैक देखकर बैठिए सन की तरफ, ताकि आपने वार्म क्लोथ्स पहने हुए हो या कपड़े पहने हो, ताकि सनलाइट आपके डायरेक्ट स्किन को ना लग रहा हो। लेकिन सनलाइट में बैठना बहुत जरूरी है, और जो सनलाइट में बैठ सकते हैं बैठते हैं सूरज की रोशनी में, उससे बेहतर तो और कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सनलाइट भी बहुत जरूरी है। गाइस, आई होप मेरा व्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो एक थम्स अप तो बनता है। इसमें सुस्ती और कंजूसी मत कीजिएगा, एक थम्स अप दीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर विंटर्स।